सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में मैं जरा सा बात करूंगा 45 डेज ब्रह्मास्त्र कैट 23 प्रिपरेशन का लेके। बट हाउ एवर इट इज़, मैं बहुत वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस बार का कैट 23 लेके। सो ऑल द बेस्ट द कैंडिडेट्स, बिकॉज 45 डेज ही और बचा हुआ है और ज़्यादा दिन है नहीं। तो क्या प्रिपरेशन करोगे ये 45 डेज का, एंड क्या कुछ होगा लास्ट में जाके, तो वही है। तो पहली का बात यही है कि जो 3.3 लाख कैंडिडेट वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर कैट 23 एग्जामिनेशन। हाउएवर इट इज़, बहुत सीरियस कैंडिडेट बहुत कम ही है, लेकिन इस बार कॉलेज भी बहुत ज़्यादा घुसा है, जैसे कि IIFTs ऑल, मतलब दिल्ली कैंपस एंड आपको कोलकाता कैंपस, एज वेल एज आपको NITI मुंबई, आपको IIM मुंबई बन चुका है, एंड सो मेनी कॉलेजेस आर देयर, एंड FMS दिल्ली है, MDI गुड़गांव है, अपार्ट फ्रॉम IIM मैं बोल रहा हूँ, एंड आपको SP जैन बॉम्बे है, द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड IITs है, जैसे कि IIT बॉम्बे का सोएल एसजे में, तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज DMS है, आपको IIT दिल्ली है, IIT मद्रास पे, एंड अदर कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर एज, बिकॉज VGSOM IIT खड़गपुर है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 कोर्सेस है, बिकॉज दे आर वेरी गुड फ्रॉम ROI, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बिकॉज MBA करने के लिए पैसा भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए। सो मैं जरा सा स्टार्ट करता है इस वीडियो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे प्रिपरेशन किया जाए 45 डेज ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। VRC पहला सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में सबका ऊपर यही है। तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आप शुरू शुरू में आपको मिलेगा, आपको कैट 23 का स्क्रीन पे जब आप मिलेगा उस टाइम आप घबराओ मत, क्योंकि क्या होता है ना, देखोगे आपको स्कैन किया हुआ क्वेश्चन पेपर आएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का जो है, पहले आपको 4 RCs रहेगा एंड 4 × 4 = 16 क्वेश्चन आप पाओगे। तो उसमें इसमें आपको UNSS का पढ़ने का अभी भी प्रिपरेशन करने का टाइम है, क्योंकि अभी भी 20 दिन UNSS को डेली शुरू शुरुआत में, मतलब सुबह में जब उठते हो नींद से, उस टाइम उठ के 2 घंटा कम से कम टाइम दोगे UNSS का पीछे, आपको बिल्कुल आपको बहुत अच्छा से प्रिपरेशन आपको हो जाएगा, ठीक है। एंड UNSS को पढ़ना ही पड़ेगा एज, बिकॉज नहीं तो क्या होता है ना, कैट में हो सकता है कि RC में आपको 1-2 UNSS कॉमन भी आ सकता है, ठीक है। सो रीडिंग ओएल एंड ओएल रीड कैपेसिटी एंड वन टाइम रीड, मतलब एक बार पढ़ के आपको समझ जाना पड़ेगा, इतना जो जल्द से प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, दैट इज़ दिल्ली, एक तो न्यूज़पेपर पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल एज आपको हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए डेली बेसिस पे अप टू कैट 26। मतलब क्या है ना, जे 26 नवंबर जो कैट होने वाला है, 26 नवंबर तक, 25 नवंबर तक आप पढ़ के जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद आता है पैराजम्बल, पैरासमन या ऑड मैन आउट। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चंस जो है आपको VRC का सेक्शंस में, आपको टीटा वाला क्वेश्चंस था पैराजम्बल, पैरासमन या ऑड मैन आउट में, मतलब क्या है ना, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर 8 क्वेश्चंस था, ठीक है। सो ठीक है, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल डजंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, ओके। हो सकता है कि इस बार भी ऐसे ही रहेगा। तो अगर IIM लखनऊ पेपर सेट कर रहा है, तो मतलब वही है कि 2010 का एंड 2017 का क्वेश्चंस बिल्कुल कर लीजिएगा, तो नहीं तो क्या होगा ना, पैटर्न को समझने में बूझने में आपको दिक्कत होगा। तो पैराजम्बल एंड ऑडमैन आउट जो है ना, आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, दैट इज़ टेक्निकली आप लोग साउंड होंगे, मैं बहुत बार पहले मेरा वीडियो में बता चुका हूँ, मेरा चैनल को फॉलो करके रखिएगा, तो फिर मैं एक बार बता दूंगा। पैराजम्बल एंड ऑडमैन आउट का टेक्निक वही है, पहले आप जम्बल को ठीक कर लो, 1, 2, 3, 4 में ले आओ, उसके बाद ऑड को आउट कर दो, मतलब क्या ना, पहले पैराजम्बल उसके बाद ऑड को आउट करना, मतलब ऑडमैन आउट है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक टेक्निक, एंड उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, एंड मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट मतलब कम से कम 40 मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। आज के डेट में फ्री मॉक टेस्ट बहुत सारा जगह में अवेलेबल है, एंड कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट करो, ABCD जो भी है, लेकिन आपको पैटर्न एंड आपको जो टेक्निक जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आके आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको कोई मतलब ही नहीं है उसको देने का। एंड जिस दिन मॉक टेस्ट दीजिएगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस का उसी दिन कीजिएगा, तब जाके आपका बहुत जो प्रॉब्लम, जो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, उसको सॉल्व हो जाएगा। एंड नेगेटिव मार्किंग का कल्चर आप दूर करो, ओनली पॉजिटिव मार्किंग, इफ़ यू डोंट नो प्लीज लेफ्ट द क्वेश्चन, ओके। एंड पैरासमरी, पैरासमरी का मतलब वही है, दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो पूरा के पूरा समरी जो है आपको दिया जाएगा, एंड उसमें से आपको एक ही आंसर को निकलना है। एंड पैरासमरी में जो है आपको कहना, जो 4 पैराग्राफ हो सकते हैं कि एक बार दिया जाएगा, छोटा छोटा करके, बहुत छोटा छोटा पैराग्राफ रहता है, उसको एक साथ कैसे उसको निकालना जाए, उसका ऊपर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है DILR में, देखो DI एक तो चीज़ है, LR एक तो है, डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली इज मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है,
एवरेज रेशियो परसेंटेज वैदिक मैथ्स एंड एरिथमेटिक आप बहुत अच्छे से कर लोगे डीआई में तो आपको बहुत फायदा होगा एंड आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा एंड डीआई का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बट आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। एवरेज रेशियो परसेंटेज एंड वैदिक मैथ्स एंड बेसिक एरिथमेटिक। बेसिक एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि ना आपको बेसिक आपको जो मिक्सर एंड एलिगेशन का प्रॉब्लम, फंडा, प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा, फार्मूला बेस्ड, इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड रेशियो, एवरेज, वैदिक मैथ्स एंड योर परसेंटेज, बार बार मैं बोल रहा हूँ डीआई के लिए। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको चार गो जो आपको बोलूँगा पॉइंट, दैट चार गो पॉइंट में आपको आ जाएगा, क्वेश्चंस भी आ जाएगा। पहली बार है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, इसमें से आपको टॉप क्वेश्चंस आ सकता है बट इफ़ यू विल प्रैक्टिस प्रॉपरली एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द फंडास यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, मतलब कि आपका कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसके लिए कोई भी किताब फॉलो करो एंड कोई भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉलो करो, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज दिस, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है बहुत तरीका सा क्वेश्चन होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दैट। उसके बाद आपको मैं आपको बोल रहा हूँ जो चीज़ मैं बार बार पुराना कैट का पेपर दुनिया सारा का जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको कॉमन भी आ सकता है उसमें, ठीक है। 2010-16 एंड लास्ट आपको 20 साल का क्वेश्चन आप करके जाओगे तो उसमें 60% क्वेश्चन यू विल गेट कॉमन इन कैट 23 एग्जामिनेशन। उसके बाद आते हैं पजल्स एंड केसलेट्स। तो पजल्स जो है कुछ भी आ सकता है पजल्स लेके, तो उसमें आपको क्या होता है ना, एक तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। एंड केसलेट्स, केसलेट्स मतलब एक तो केस दिया जाएगा, उसके ऊपर अनुसार से आपको क्वेश्चंस किया जाएगा, दैट चार पांच को क्वेश्चंस रहता है एंड चार को दो मतलब दो को डीआई दो को एलआर रहेगा, उसमें पांच मतलब कहना 10 को क्वेश्चंस फ्रॉम एलआर 10 को क्वेश्चन फ्रॉम डीआई। जनरली लास्ट ईयर तक जो पैटर्न था 66 नंबर का उसी के लिए रहेगा, ठीक है। दो घंटा का पैटर्न ऐसे होता है। तो पैराजम्बल एंड पैरासमरी जो है उसको तो आते हैं आपको मतलब वीआरसी में, उसमें आपको नंबर टेक्निक मतलब कहना जे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है वो सब क्वेश्चंस में, आप जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डीआईएलआर में जब आओगे तो आपको जो बेसिक जो वीआरसी है उसको भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि उस सेक्शन में जब जाओगे वीआरसी को आपको भूल जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप डीआईएलआर में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। एंड डीआईएलआर में क्या होता है ना, जो बेसिक डीआई एंड बेसिक डीआईएलआर का क्वेश्चन जो है कुछ नंबरिंग क्वेश्चन रहेगा, उसको डायरेक्ट नंबर पुट करना पड़ेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, वो सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब स्कैवेंजर अप्रोच में भी कर सकते हो, एज बिकॉज अगर आपने स्कैवेंजर अप्रोच में किए हो तो मतलब क्या है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यूं ही आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना, दुनिया का इजी क्वेश्चन आप कर लोगे तो यूं ही आपको 99.99 मिल जाएगा। एंड 99.99 मिलने के लिए आपको क्या होता है ना, कोई भी जैसे कि ना क्वांटिटी में आपको स्ट्रांग है, कोई डीआईएलआर में स्ट्रांग है, उसमें क्या है ना 99.99 ले आ रहा है, कोई भी सेक्शन में 99 आ रहा है, वीआरसी में थोड़ा सा वीक है तो आपको 80 ले आ रहा है, तो उसमें क्या होता है ना 99.8-99.7 आपको परसेंटाइल टोटल ओवरऑल में आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं जो सबसे बिग है, नॉन इंजीनियर्स का प्रॉब्लम है, इंजीनियर्स लोगों का एकदम पूरा स्वर्ग है, दैट इज़ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। हाउएवर इट इज़, ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियर लोग बहुत सारा फाड़ के आता है, वो आईआईटी दिल्ली बॉम्बे एंड कुछ आईआईटीज का जो बेचार बेटर कैंडिडेट है एंड कुछ नॉन इंजीनियर्स जो है जो बहुत प्रैक्टिस करता है वही फाड़ के आता है, अदरवाइज आपको कोई भी कुछ कर नहीं पता है। बिकॉज क्वेश्चंस इज नंबर ऑफ 40 मिनट्स का पेपर है एंड 22 को क्वेश्चंस में, शुरू में 20 मिनट में मेरा सजेशन है आप 1 से 11 नंबर क्वेश्चंस तक देखो एंड नेक्स्ट 20 मिनट्स में आपको जो 22 नंबर क्वेश्चंस से आपको 12 नंबर क्वेश्चंस तक देखो, मतलब पीछे में आपको इजी क्वेश्चंस रहता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फास्ट पहले जो है मैं सबको बोलूँगा एरिथमेटिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 10 11 12 को क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी कैट में आते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम एरिथमेटिक पैटर्न। ओके, मतलब एरिथमेटिक। सो एरिथमेटिक का क्या क्या आता है, जैसे कि ना टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें रेलवे एंड बोट स्ट्रीम का प्रॉब्लम आता है, दोनों क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का आ सकता है एंड रिलेटिव वेलोसिटी टाइम स्पीड डिस्टेंस ऑलमोस्ट द सेम चीज़, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर में आता है, मैं अलग करके इसलिए नहीं लिखा। मिक्सर एंड एलिगेशन का बहुत सारा फॉर्मूलाज हैं एंड कैसे आपको इजीली होता है उसको देखना पड़ेगा एंड दैट इज शॉर्टकट टेक्निक एंड स्मार्ट अप्रोच। एंड नेक्स्ट इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस, उसका भी फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है एंड आपको बहुत सारा टेक्निक है आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ईच एंड एवरी मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड उसके बाद परसेंटेज रेशियो एवरेज, परसेंटेज रेशियो एवरेज से आपको बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड उसमें से बिल्कुल आपको टीटा वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड दैट द ओनली थिंग इज वैदिक मैथ्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कैट 23 एग्जामिनेशन। वैदिक मैथ को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैट में बिल्कुल आप लूजर बन जाओगे। उसके साथ साथ आपको क्या है ना, कैलेंडर एंड डेट्स का प्रॉब्लम भी कर लीजिएगा, क्लॉक का प्रॉब्लम जो आपको बहुत सारा सहारा देगा एंड दे जो आईआईएम लखनऊ कुछ भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एलजेब्रा का बारे में, तो एलजेब्रा में देखो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक थ्योरी, जो पैराबोला है, पैराबोला का अप्रोच क्या है, आपको कैसे आपको इक्वेशन बनना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम ए टू जेड, एंड आपको समझ में आना चाहिए, मतलब फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको लॉगरिथम एंड इंडिसेस, एंड देन इज द फंक्शन डोमेन रेंज। फंक्शन डोमेन रेंज का प्रॉब्लम बिल्कुल लॉगरिथम के रिलेटेड एज वेल एज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड एज वेल एज एवरीथिंग, मतलब क्या ना ए टू जेड आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड ईच एंड एवरीथिंग यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द एम एल खन्ना बुक, एम एल खन्ना, जे एन शर्मा, आई आई टी मैथमेटिक्स, एंड दिस बुक इज अवेलेबल इन द इंटरनेट, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट। उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनेट में। गूगल में आजकल सब कोई बहुत कोई सर्च करता है, लेकिन असली चीज़ कोई सर्च नहीं करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम एंड इंडेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एंड आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए इसमें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज है क्या ना, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने से तभी फायदा होगा, अदरवाइज आपको बहुत मतलब क्या ना सुविधा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चंस विल बी इजी, बट यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स इन द कैट 23। एंड देन आते हैं आपको मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री का प्रॉब्लम। तो मेंसुरेशन का ईच एंड एवरी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके लिए एक कॉपी बनाइए, एंड रेली रात को जब सोते हैं उस टाइम सोते वक्त उसको देखिए, प्रैक्टिस जो कीजिएगा इसको एक तो कॉपी में, उसमें से आपको प्रैक्टिस करने का टाइम पे आप बिल्कुल उसको याद रखिएगा। जियोमेट्री भी सेम चीज़ है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी सेम चीज़ है, आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है, आपको पता होना चाहिए ए टू जेड, अदरवाइज क्या होगा ना आपको बहुत मुश्किल होगा। क्वेश्चंस विल बी इजी, यू विल गेट इजी क्वेश्चन फ्रॉम जियोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एंड आपको अगर पता नहीं है ठीक से तो आपको क्वेश्चंस मिस हो जाएगा, एंड यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, यू विल योर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन रहेगा, एंड आपको अगर कोई मार दिया होंगे, तुक्का मार दिया होंगे, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। बिकॉज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री तो ऐसा चीज़ है, मतलब एक दिन का बात है नहीं, बहुत दिन प्रैक्टिस करने से होता है, बट हाउ एवर इट इज़ कैट में जो क्वेश्चन आते हैं ये दैट इज ईजी क्वेश्चन। एंड देन मैं आता हूँ आपको ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हाउ एवर इट इज़ क्वेश्चन विल बी ईजी। इसमें क्या आता है ना आपको, अगर बहुत सारा फॉर्मूलाज है, इतना बड़ा फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है, तो आपको अगर बहुत पता नहीं है तो मुश्किल होगा, मतलब क्या ना बहुत फंडामेंटल चीज़ को आप ग्रैब कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। सो इसमें अगर अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रहा है तभी आपका होगा, नहीं तो आपका मुश्किल ही है, मतलब क्या ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार अपना प्रैक्टिस बहुत करो, जैसे कि ना कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है आपको, लेकिन क्या ना पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कोई भी किताब पढ़ो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल्स पढ़ो, एंड एज वेल एज जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें मॉक अच्छे से मार्क्स लाओ, तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। क्योंकि इस बार जो कैट 23 का क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्वांटिटी एंड आपको बीआरसी का जनरली क्वेश्चन इजी आता है था, क्योंकि 2010-2017 में ऐसा हुआ है जब आई एम लखनऊ सेट किया था, लेकिन डीएलआर का टफ आता है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट, एंड इसके लिए मैं डीआईएलआर में 20 को क्वेश्चंस का, मैं इसमें एलआर का सजेशंस फिर से बोल रहा हूँ मैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट, पाजल्स एंड केसलेट्स सब अच्छे से कीजिए, एंड कोई भी ग्राफ का प्रॉब्लम जैसे कि स्पाइडर ग्राफ या कुछ भी ग्राफ का प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल ये है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मैं बोलूँगा, इसमें अगर एरिया का क्वेश्चन जो आता है, एरिया का प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको कैसे डिटर्मिनेंट बना के आपको करता है, मैट्रिक्स बना के करता है, वो आपको चेक कर लीजिएगा। एंड क्वांट में आपको मैं आपको बार बार खास करके बोल रहा हूँ, एरिथमेटिक का क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यू विल गेट 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द एरिथमेटिक, देन एलजेब्रा, देन मेंसुरेशन, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, ओके। एंड उसके बाद आते हैं जैसे कि ना वीआरसी, मैं फिर बोल रहा हूँ अगर 24 को क्वेश्चन रहेगा, कम से कम आपको 18 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, तो 13 को क्वेश्चन कर पाएगा, लेकिन 13 को क्वेश्चन आपको करना ही है, 13 को क्वेश्चन नहीं करने से आपको 99.99 बच्चा आएगा नहीं। एंड आरसीज के लिए मैं बोलूँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल रीड कैपेसिटी, अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब 2 महीने के आसपास टाइम है, 45 डेज, एंड यू नो इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट एंड हाउ टू गेट मोर परसेंटाइल विथ लेस अटेम्प्ट। तो मैं तो बोलता हूँ सबको जैसे कि ना आपको कोई भी कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, एंड उसके साथ साथ जो है टाइम दो, टाइम मतलब बिल्कुल आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन का बात है, बट पैराजाम्बल पैरासमल ऑडमेंट आउट में जैसे कि ना आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें आपको अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। एंड आपको ऑलमोस्ट दैट यू विल गेट एटलीस्ट 22-24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैविंग नो नेगेटिव मार्किंग, एंड उसमें से आपको क्या है ना जो 40-42 को क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग वाला रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर द नेगेटिव मार्किंग, ओके। सो इट इज़ लाइक दैट, बहुत है 1 मार्क, मतलब क्या ना उसमें फ्रैक्शन में इतना कटता है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा काट लेता है। तो इसमें मैं आज यहीं पर एंड करूँगा, तो मैं बोलूँगा सबको मेरा वीडियो को ज़रा तक शेयर कर दीजिए दूसरों के बीच में, आपका जो रिश्तेदार है उनका बीच में, जो आपको कैट दे रहा है, जो फैमिली मेम्बर जो है, बहुत सारा फैमिली का ऐसा होते रहता है, तो इट इज़ लाइक दैट। एंड उसमें से मैं बोलूँगा यार अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, एंड ज़्यादा दिन है नहीं, 45 डेज मोर ऑलरेडी बचा हुआ है,
तीनों सेक्शन है VRC, DILR एंड क्वांट, उसको छोड़ के कुछ मत देखो, ना टीवी, ना कुछ, ना घर से निकलो, ना कुछ भी, इसको ख़त्म करो पहले, उसके बाद बोलो कि कब को जे कैट 23 में हमारा होना चाहिए एंड अगर होंगे तो अभी हम बाहर निकलेंगे, ओके। एंड 26 नवंबर को बाद अब कुछ भी करो, बट हाउ एवर इट इज़ यू हैव टू स्टडी अप टू 25 नवंबर, एंड रात को सोने जाओ बढ़िया से, एंड आपको देखिएगा आपको नींद पूरी होंगे तो सुबह में जाकर बहुत अच्छे से आपको एग्जाम होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस। मेरा तो स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मैं ऐसी आशा रखता हूँ, एंड मैं सबको बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट 23 45 डेज का प्रिपरेशन, एंड ऐसा मैं लेके आऊँगा, आप लोग जरा सा मेरा चैनल को देखिएगा, आपको बहुत सारा फायदा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।